असल में नाम सबसे पहले किसका जो कहा, पुख्ता यही बात तो आई प्रयास है, की राजनीति है। हाँ, इसमें क्या असल में जो पहली बात निकलकर सामने आई कि नया चेहरा होगा, इसके पीछे का आधार बताता हूं। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ने अमित शाह से यह पूछा कि होगा क्या, ये बता दीजिए। तो उनका जवाब था कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। इससे इस बात के कयास लगाए गए कि सब कुछ बदला जाएगा, यानी कि न रमन सिंह छत्तीसगढ़ में होंगे, न वसुंधरा राजे राजस्थान में होंगी, और अगर ये दोनों नहीं हुए तो शिवराज सिंह चौहान भी यहां नहीं होंगे। इन दोनों में मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उसको लेकर ये कयास ज्यादा सटीक बैठा। दूसरा, चूंकि आपका प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं जिनसे ये बात हुई थी अमित शाह की। दूसरा एक और ये कयास हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा हो। अभी तक सोच का दायरा जहां तक था वो सभी विधानसभा चुनाव लड़े हुए व्यक्तियों में, दिग्गजों में था। शिवराज सिंह चौहान भी लड़े हैं, आपके कैलाश विजयवर्गीय जो भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो भी लड़े हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी लड़े हैं। नहीं लड़े हैं इन सब में, तो फिर वो सुई जाकर टिकती है दो लोगों में। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़े हैं और वीडी शर्मा चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन बिल्कुल जब ये बात ये भी निकल के आ रही है कि वो कोई भी हो सकता है, बीजेपी चौंका सकती है और इस बार वाकई में चौंकाएगी, तो फिर नाम आया कि आदिवासी युवा चेहरे में सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम हो सकता है राज्यसभा का। इत्तेफाक ऐसा है, हाँ इत्तेफाक ऐसा है कि वो कल प्रधानमंत्री से मिल भी लिए। अब वो मुलाकात ऐसी है कि बड़ी सौजन्य टाइप की है। प्रधानमंत्री, संसद का सत्र चलता है तो बहुत सारे सांसद प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट एनेक्सी में मिल लेते हैं, फूल दे देते हैं, वो फोटो खिंचवा लेते हैं। और वैसे पार्टी की जीत हुई है तो सांसद का मिलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि चलते संसद सत्र में प्रधानमंत्री से सांसद ये मिलने की एक प्रक्रिया रखते हैं कि साथ में मिल लेते हैं, फोटो फिर सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। अब वो कल फोटो शेयर भी हो गई, मिलते हैं और फोटो होते हैं तो फिर कयास और कुछ लगाए जाते हैं। हाँ इस समय में जो